प्ले करता है। जी हाँ बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में सुकून की जिसकी चीज है, पीस का मतलब सुकून, और मैं समझता हूँ कि संगीत से बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता पीस के लिए, और जिसमें संगीत के विषय में ये कहूँगा कि गाना बजाना जिसको कहते हैं। और इस मामले में हम बहुत ही नसीब वाले हैं कि हम हिंदुस्तान से हैं, और हिंदुस्तान से बड़ा कहीं भी संगीत नहीं है, और ये हमारा संगीत जो है हर भाषा में आपको मिलेगा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, सिंधी, मारवाड़ी, बंगाली। तो मैं समझता हूँ कि हाँ आइए आइए, प्रभु जी की जय हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने और कुछ मत कीजिए, प्रेम की बात, प्रेम की भाषा कीजिए, जैसे कि अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। तो ये जो हमारी भाषा है और ये जो हमारी धुने हैं, ये लोगों के दिल तक घर करती है, लोगों को हमसे जोड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि बाकी एक्टिविटी जो आप लोगों की है वो तो है ही, हेल्थ है वगैरह वगैरह जो भी है, मगर अगर उसके साथ में अगर संगीत रहे तो काफी फर्क पड़ सकता है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक एक्टर हूँ एंड पेंटर हूँ, रश्मि पित्रे। तो आपने मैं जिस तरह का पीस मुझे समझ में आता है वो ये है कि आर्ट से, यानी कि सर जो है म्यूज़िक से कर रहे हैं, वैसे मैं आर्ट या पेंटिंग से आई एम प्रमोटिंग पीस। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में प्रेम और शांति बनी रहे, और मैं ये आर्ट थेरेपी के ज़रिए कर रही हूँ। आर्ट थेरेपी क्या होता है कि कोई भी हमारे बीच में, जैसे मैं प्रोफेशनल पेंटर हूँ, मैंने 34 एग्जीबिशंस किए इंडिया, कैनेडा, US में, लेकिन कोई भी कॉमन मैन जो होता है, जो ऑफिस में बैठे हुए लोग होते हैं, या कोई भी साधारण इंसान जो भी हमेशा ऑफिस जाते हैं, या कोई भी सिर्फ 10 मिनट निकाल कर छोटा सा पेंटिंग या कोई भी आर्ट एक्टिविटी जो हम लोग सिखाते हैं, इट्स अ थेरेप्यूटिक आर्ट जिसके ज़रिए आप डिस्ट्रेस फील करते हैं, बहुत ही डिस्ट्रेस फील करते हैं, और सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट आपको देने होते हैं हर रोज़ या हर हफ्ते, और आप इस तरह से डिस्ट्रेस हो सकते हैं। और अगर बहुत टाइम तक आपने ऐसा करते रह गए, जैसे दो महीने, चार महीने, लाइक दैट, तो इट बिकम्स सेल्फ हीलिंग हो जाता है, आपके सारी निगेटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और वो हम आर्ट थेरेपी के ज़रिए प्रमोट करते हैं। मतलब मैं आर्ट थेरेपी सेशंस और वर्कशॉप्स लेती हूँ जिसके ज़रिए इस तरह का पीस प्रमोट होता है। और मेरे जो पोएट्री हैं, जो इंग्लिश पोएम्स मैं लिखती हूँ, आई हैव रिटन मोर देन 200 इंग्लिश पोएम्स, सो लिटरेचर फेस्टिवल्स में और ये सब, तो मेरे काफ़ी सारे पोएम्स जो हैं इंग्लिश पोएम्स, वो पीस, ग्रैटिट्यूड इस विषय पर है। तो इस तरह से जो पोएट्री राइटिंग वर्कशॉप्स मैं लेती हूँ, या पोएट्री रेसिटेशन सेशंस एज अ स्पीकर ऑल्सो इन पैनल डिस्कशंस एंड ऑल, अब मैं जा रही हूँ, बेंगलुरु जा रही हूँ एक बहुत बड़े इंटरनेशनल इवेंट में एज अ स्पीकर, देन वेस्ट बंगाल भी जा रही हूँ, तो वहाँ भी आई एम प्रमोटिंग पीस थ्रू माई आर्ट थेरेपी एंड ऑल्सो माई पोएट्री, बिकॉज आई एम एन एक्टर, पेंटर एंड पोएट। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले से ही आर्ट थेरेपी, मतलब थेरेप्यूटिक इम्पैक्ट कैसे होता है, और उससे मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी चेंज हो गई है। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों की भी मदद हो मेरी इस आर्ट थेरेपी और एक्सपीरियंस से। तो इस वजह से मैंने आर्ट थेरेपी शुरू की, और मैं इस तरह से प्रमोशन कर रही हूँ पीस एंड ग्रैटिट्यूड का। सो थैंक यू वेरी मच सर, कट इट। अब मेरे ख्याल से मुझे उठना चाहिए। पोएट्री एम्बेसडर का आपको जो है फेलिसिटेट किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कितना प्राउड फील होता है एज अ पीस एम्बेसडर को थोड़ी जो Should I talk in Hindi or English? English, whatever. Okay, I'm, as I said, I feel highly privileged and honored that I have been conferred with this title. And peace is, you know, if you are at peace with yourself, only then you can spread peace. That is the primary, thing which we are looking at. But of course, there is world peace, and there are many aspects to peace also. So this is also a great initiative because it is so much needed and relevant in today's world. Ma'am, your thoughts on this participation and the initiative? Hi, I'm Elsie Gabriel. I'm a founder of Young Environmentalist Program Trust, and I've been trained by former Vice President of USA, Mr. Al Gore. And as an environmentalist, I believe that spiritual ecology is very, very important. And if you can connect with nature and draw your essence of peace from nature and ecology, I think the peace that you get from the natural wilderness and from the planet is very, very pure in its essence. And if
if you can derive peace from the nature and the world, you can also give back to saving planet Earth. So as an environmentalist, I feel that you can get peace from nature, and you should spread that peace that you derive from nature and help the new generation to have digital detox and to become closer to nature to derive peace. So it's very important that you know, we get close to nature and promote peace through nature. Yes, thanks for questions. So I'm happy to be here, and I'm here is, you know, I'm from Russia, so I love India, and I believe like our country, like Russia and India, we are like close friends from long time, like thousand years, we have same culture, and I believe that we should stay together and be strong, and we should exchange our like culture, art, and everything. So I'm here for this reason. So I'm making movies about peace, love, about spiritual movie as well. So I believe like we can send a message to people with art. So it's okay. वर्ल्ड पीस एम्बेसडर से मुझे अवार्ड दिया वकार्ड फाउंडेशन का, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और पुलिस डिपार्टमेंट में अवार्ड दिया है, इसके लिए कैसे है कि पुलिस को जब तक दोस्ती कराऊंगे पुलिस के साथ में अवार्ड, तो बहुत खुशी हो रही है कि अब चलो कि अपने को एक पीस और शांति का अवार्ड पुलिस को दिया जा रहा है। और कैसा है कि पुलिस को देखने के नजरिया लोग कैसे कहते हैं कि यार नहीं, ये जाएंगे तो मारेंगे, झगड़ा हो जाएगा, कुछ गाली चुप, तो मुंह पे तो चलो अच्छा है, सब अच्छे है, लेकिन पीछे जाते के साथ गाली देना, ये करना, तो उससे अच्छा है कि अवार्ड दे रहे, पुलिस के साथ दोस्ती कर रहे, बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है। और हमको नवाज रहा है कि अब अवार्ड दे के हमारा और भी काम करने का हमको ऐसा लग रहा है कि और अच्छा, हम तो अभी अच्छा कर रहे हैं और अवार्ड देने से और भी इससे भी अच्छा हम काम करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। सर, आपके थ्रू आप और किस में मतलब पीस लाना चाहेंगे सोसाइटी में, क्योंकि पुलिस बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि कैसे हर चीज़ में शांति ये बहुत जरूरी है, हर कोई भी चीज़ रहने दो, पूजा रहने दो, नमाज रहने दो, इसमें शांति, जब तक अपन शांति से कोई काम नहीं करते तो दिल को भी सुकून नहीं होता और देश को भी सुकून नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से कैसा है कि शांति का एक प्रतीक जो ये है ना, उसके लिए शांति से काम करना, हर एक सुकून, यानी कि कैसे हर चीज़ में शांति से काम करोगे, जो जल्दबाज में काम करोगे तो एक मिनट का जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसमें एक घंटा और लेट हो सकेगा। अभी ट्रैफिक का उदाहरण लो कि एक सिग्नल, अगर ट्रैफिक सिग्नल स्टॉप है, अपन वहाँ से गाड़ी डाल रहे हो, तो एक गाड़ी जाने से गाड़ी का पूरा जाम हो रहा है, तो आदमी एक मिनट के लिए इंतजार नहीं करता, थोड़ा शांति रखेंगे तो हर चीज़ सभी को फायदा हो जाएगा, सभी के लिए अच्छा है शांति। थैंक यू सर, थैंक यू सर।